दोस्तों देख सकते हैं आज का जो प्रॉब्लम है, ये हमारा वीडियोकॉन का 21 इंच का टीवी है और हमारा जो पावर इंडिकेटर कैसे हमारे ब्लिंकिंग हो रहा है देखिए। और ब्लिंकिंग होने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर दबाने के बाद भी हमारे टीवी स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। मतलब आज का जो प्रॉब्लम है, हमारा LED इंडिकेटर ब्लिंकिंग हो रहा है और स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक 21 इंच का अल्ट्रा स्लिम का एक वीडियोकॉन का टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ऐसे वाला हमारा ब्लिंकिंग हो रहा है। देखिए रिपेयरिंग हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है। मतलब हमारे टीवी स्क्रीन के जो टीवी पे जो पिक्चर पावर है वो पावर हमारा सही तरीके से स्टैंड नहीं है। और देखिए, मैं रिमोट से इसको पावर दाबा के स्टैंड बाय से रिलीज करना चाहता हूँ, लेकिन स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं आता है और इंडिकेटर ब्लिंकिंग होते ही रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसीलिए पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ। खोलने के बाद दिखाता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 21 का अल्ट्रा सिम का ट्यूब और ये रहा हमारा यॉक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। मेन पीसीबी का प्रोसेसर नंबर देख लीजिए, ये देखिए TDA12135PS N33। ये वाला हमारा प्रोसेसर का नंबर है। और हमारा साउन आईसी का नंबर दिखा देता हूँ, ये देखिए TDA7297। ये वाला हमारा साउन आईसी का नंबर है। और हमारा जो STR है, STR का नंबर भी दिखा देता हूँ। CQ07658T। और हमारा जो वर्टिकल आईसी इस पे लगाया गया है, इसका नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देख सकते हैं LA78040B। और आज का जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों, हमारा LED ब्लिंकिंग हो रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारा मेन PCB है, मेन PCB का ही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो हमारा EHT सेक्शन है, EHT सेक्शन कुछ प्रॉब्लम देगा तो हमारा पावर सेक्शन दब जाएगा, या हमारा पावर सेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पावर सेक्शन दब जाएगा, तब भी इंडिकेटर ब्लिंकिंग करते रहेगा। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करना है, चेक करने के बाद श्योर होना है। श्योर होने के बाद इसको टेस्टिंग करेंगे और प्रॉब्लम कहाँ है वो भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को मैंने पहले चेक करूँगा, जैसे इसका पावर सेक्शन से रिलेटेड जो वोल्टेज निकलता है उसका पहले चेक करूँगा। वोल्टेज को चेक करने के बाद ही श्योर होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। हम लोग टेक्नीशियन क्या करते हैं, हमारा वोल्टेज को चेक करके इसका प्रॉब्लम ढूंढते हैं। क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज फॉल्ट देगा तो हमारा प्रॉब्लम भी आएगा, इसीलिए वोल्टेज को सही तरीके से करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या करते हैं, एक चीज़ को पहले चेक करेंगे, पहले वोल्टेज को देखेंगे, उसके बाद EHT देखेंगे, जो भी हो। ठीक है, तो मैं टीवी को पहले स्टार्टिंग करूँगा। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद इसका एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे हमारे EHT सप्लाई जो होता है उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, कभी 58 कभी 71 तक पहुँच जा रहा है। उसके बाद हमारा 27 वोल्ट देखेंगे, देखिए 6.3 बता रहा है, कभी कभी 2 वोल्ट तक आ रहा है। और इसके बाद 12 वोल्ट का पॉइंट देख लेते हैं, जो रेगुलेटर सेक्शन के लिए, वो 4 वोल्ट तक आ जा रहा है, 3 वोल्ट तक आ जा रहा है, 2 वोल्ट ऐसे डिपेंडिंग हो रहा है। उसके बाद जो ये सेक्शन होता है, जो हमारा साउंड सेक्शन का वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज पे देखिए कभी 4 कभी 3 कभी 6 इतना वोल्टेज आ रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले तो EHT को पावर सेक्शन से अलग कर देंगे, क्योंकि EHT सेक्शन कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो पावर सेक्शन दब जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, EHT सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन को मैं क्या करूँगा, ये पावर सेक्शन से अलग कर देता हूँ।
अलग कर देने का, फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों मैंने जो ESD का जो सप्लाई है, जो 110 वोल्ट का जो सप्लाई है, उसको मैंने रेजिस्टिंग को ओपन कर चुका हूँ। ओपन कर देने के बाद फिर से एक बार पावर दूंगा, पावर दे दिया, और पावर देने के बाद स्टैंड बाई पे कितना वोल्टेज आ रहा है उसको चेक करेंगे। जो हमारा वोल्टेज स्पीकरिंग हो रहा था वो वोल्टेज स्पीकरिंग बंद हो गया। देखिए हमारा 55 वोल्टेज तक आ गया है। उसके बाद देखिए जो हमारा इस पे वोल्टेज आना चाहिए, इस पे वोल्टेज हमारा 8.1 आ रहा है, लेकिन जो डिपायरिंग हो रहा था 1.2 तक जा रहा था, 4 वोल्ट तक जा रहा था, वो हमारा डिपायरिंग बंद हो गया है। उसके बाद जो हमारा 12 वोल्ट के जगह पे 7.5 आ रहा है, वो वाला वोल्टेज भी देखिए डिपायरिंग होना बंद हो गया है। और जो हमारा 14 वोल्ट जो हमारा पावर बोर्ड सप्लाई ऑडियो सेक्शन सप्लाई होता है, उस पर भी 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये फिकारिंग होना बंद हो गया है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, मैं इसको स्टैंड बाई से रिलीज करूँगा। ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट हमारा कीपैड के लिए कनेक्शन किया गया है, और इसको टच कर देने से, शॉर्ट कर देने से हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है। और स्टार्टिंग होने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे, इस पर हमारा 115 आ गया है जो होना चाहिए, और इस पर हमारा 12 वोल्ट 15 वोल्ट दे रहा है, 13.7 आ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे इस पर जो 12 वोल्ट का पॉइंट पे, इस पर 8.5 आ रहा है, ये वोल्टेज हमारा सही नहीं है। जो हमारा रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर पे जो वोल्टेज होता है मिनिमम हमारा 11 से 12 वोल्ट होना ही चाहिए, 10 वोल्ट से आप होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा रेगुलेटिंग नहीं सही तरीके से होगा। इसीलिए ही हमारा LED ब्लिंकिंग हो रहा है। और हमारा साउंड सेक्शन चेक करेंगे, साउंड सेक्शन पे कितना आ रहा है, 11.2, मतलब ये शायद सही है। वो हमारे 12 वोल्ट का पॉइंट है, वो थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन करेगा, वो लोड से हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस पे जो हमारा वोल्टेज है ये 8.6, ये वोल्टेज हमारा सही नहीं है, इसको सही करना ज़रूरी होता है। क्योंकि रेगुलेटर सेक्शन सही नहीं होगा तो रेगुलेटर का वोल्टेज सही नहीं होगा तो हमारा सेंसर भी काम नहीं करेगा, और हमारा कीपैड पे जो हमारा पॉइंट लगाया गया है, इंडिकेटर लगाया गया है, वो हमारा वोल्टेज के वजह से डिपेंडिंग करते रहेगा। और हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर पे भी जो वोल्टेज आता आएगा, यदि कि 5 वोल्ट 8 वोल्ट, ये वोल्टेज भी ड्रॉपिंग हो जाएगा, तब हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। इसीलिए ये वाला पावर सेक्शन से जो वोल्टेज है, इस पे जो 7.98 वोल्ट बता रहा है, ये वोल्टेज को बढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, कैसे बढ़ाएंगे वो भी दिखा देता हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। दोस्तों इसका जो वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो हमारा 15 वोल्ट का जो पॉइंट था, वो पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज आ रहा था, वो वोल्टेज हमारा 2 से 5, 6 वोल्ट 8 वोल्ट तक आ रहा था, लेकिन इस पे हमारा ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए था। और इस पे जो वोल्टेज आ रहा था, जो हमारा 14 वोल्ट 16 वोल्ट आ रहा था, इस पे हमारा 24 से 27 वोल्ट तक आना चाहिए, और इस पे हमारा 115 वोल्ट, और इस पे हमारा 16 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन मैंने जब चेक किया पूरा सिस्टम को, इसका कैपेसिटर भी फेल नहीं था, इसका फोटोकपलर भी फेल नहीं था, और हमारा जो रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर जो हमारा फोटोकपलर को वोल्टेज देता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमारा STR फॉल्ट हो गया था, मेरे पास STR नहीं है अभी, और इसीलिए दोस्तों क्या किया मैंने, एक मॉड्यूल लगा लिया, और मॉड्यूल लगाने के बाद इसका 115 वोल्ट हमने सही कर दिया। देखिए मैं टीवी को पावर दिया, और पावर देने के बाद हमारा लैम्प जल गया, मतलब हमारा वोल्टेज तैयार होना शुरू कर दिया। इस पे देखिए हमारा 115 आ रहा है, और दूसरे पे जो हमारा 26 वोल्ट आना चाहिए, देखिए 25.5 आ रहा है, और इस पे हमारा 12 से 15 वोल्ट तक आना चाहिए, इस पे 22 बता रहा है। देखिए ये 22 जो है ये हमारा सही है, लेकिन कुछ ज़्यादा वोल्टेज बता रहा है, और इस पे चेक करेंगे, इस पे 16 वोल्ट आ रहा है। ये जो हमारा 22 वोल्ट बता रहा है, ये वोल्टेज जब मैं टीवी को स्टार्टिंग कर दूंगा, टीवी स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट कर देने के बाद इस पे जब हमारा 4.9 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट आ गया, इस पे जो 22 वोल्ट आ रहा था, इस पे देखिए 15 वोल्ट आ गया है। मतलब दोस्तों जब स्टार्टिंग नहीं होगा, स्टैंड बाई पे रहेगा, इस पे थोड़ा सा वोल्टेज रहता है, क्योंकि ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे जब स्टैंड बाई पे रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉपिंग हो जाता है, इसीलिए इस पे हमारा तब भी हमारा
12 वोल्ट रहता है, क्योंकि पूरा सिस्टम को रनिंग करना ज़रूरी होता है, और जब रनिंग हो जाता है इस पर 16 वोल्ट आ जाता है। और मैंने ये वाला जो मॉड्यूल लगाया, मॉड्यूल लगाने के बाद ये डायरेक्टली हमारा 22 वोल्ट तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा सभी वोल्टेज ओके हो गया है, और ओके होने के बाद जो हमारा 5 वोल्ट इस पर बनना शुरू चाहिए था वो 5 वोल्ट बनना शुरू कर दिया। और हमारे ESD पे वोल्टेज देखेंगे 180 पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 185 बता रहा है, मतलब हमारा TV स्टार्टिंग हो चुका है। देखिए हमारा TV रनिंग हो चुका है, और ये जो फ्लिकरिंग हो रहा है हमारा कैमरे के वजह से हो रहा है। और मतलब जो आज का प्रॉब्लम था दोस्तों, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया जो पावर सेक्शन रिलेटेड था, क्योंकि पावर सेक्शन से ही जो वोल्टेज आ रहा था वो वोल्टेज सही तरीके से स्टैंड नहीं था, वो वोल्टेज रिपेयरिंग हो रहा था। इसीलिए ही जो हमारा पावर इंडिकेटर था वो पावर इंडिकेटर भी रिपेयरिंग हो रहा था, और इसीलिए मैंने पावर सेक्शन का जब चेक किया, पावर सेक्शन का रेडी कर दिया, सभी वोल्टेज को ओके कर दिया, तो हमारा जो जहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज आ गया, और हमारा TV भी चालू हो गया है सिस्टम पे भी, और इंडिकेटर भी रिपेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, मैं पूरा सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद फिर से एक बार दिखा देता हूँ। TV का पूरा सेटिंग करने के बाद मैं TV को आगे से घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद मैं पावर कनेक्शन दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर ब्लिंकिंग हो रहा था वो स्टैंड हो गया है, और स्टैंड होने के बाद रिमोट से पावर दबा के इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। और रिलीज कर देने के बाद जो हमारा TV का पिक्चर आना चाहिए, देखिए दोस्तों हमारा TV स्क्रीन पे जो पिक्चर आना चाहिए वो आ जाता है। देखिए फुल पिक्चर आ गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो पावर सेक्शन पे जो वोल्टेज तैयार होना चाहिए था वो वोल्टेज नहीं हो रहा था, और हमारे मैं पावर सेक्शन को रेडी करने के बाद हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए जहाँ पे जैसे वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज आ गया है, और हमारा TV का इंडिकेटर भी स्टैंड हो गया है, और रिमोट से दबा के हमारा स्टैंड बाय से रिलीज करके मैं पिक्चर को ऑन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।